हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ। देखिए कितना सुंदर है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से देखिए ऐसा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए। जेंट्स स्वेटर में ये बेहद खूबसूरत लगेगा, लेडीज़ आप कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में डालिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। बच्चों के भी किसी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बेहद खूबसूरत लगेगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें दो के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा ले लेंगे तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो मैंने 11 फंदे ले लिए हैं, दो 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 और एक फंदा एक्स्ट्रा एज के लिए। तो डिज़ाइन सामने की तरफ से स्टार्ट होगा, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। इस डिज़ाइन में दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे। दो फंदों को लिया और एक साथ लेते हुए उल्टा फंदा बना लिया, यानी यहाँ पे एक फंदा घट गया। अब नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है, तो इसे हम स्लिप करेंगे। अब उन सिलाई पे देखिए हमारी तरफ है, इसे हम ऐसे चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। अब नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है, इसे स्लिप किया। स्लिप करने के बाद अब ऊन को हम ऐसे सिलाई पे चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे। अब फिर नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। तो एक बार हम दो फंदों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर रहे हैं, नेक्स्ट फंदे को हम स्लिप कर रहे हैं। तो इसे स्लिप किया, स्लिप किया। अब लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हमें सीधा बुनना है। अब देखिए यहाँ पे स्लिप करने के बाद हमें ऊन को चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाना था, लेकिन चूंकि लास्ट फंदा हमें सीधा बुनना है इसलिए ऊन को अपनी तरफ रखे हुए ही ऐसे लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए ये जो हमने धागा ऊपर से लिया था इसे भी हमें स्लिप कर लेना है। फिर देखिए दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक दो, सभी फंदों को उल्टा बुनना है। जो धागा हम ऊपर से लाए हैं बस इसे ही हमें स्लिप करना है। इसे स्लिप किया, देखिए जो जाली जैसा ये बना है इसे हमें स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए ही डिज़ाइन कंप्लीट होगा। तो ये हमने दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा इसे स्लिप कर लेंगे और ऊन को अपनी ओर करेंगे। अब देखिए ये जो फंदा है जिसे देखिए दो फंदों को हमने एक किया था, तो अब की इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे। अब देखिए दो फंदे जो इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, स्लिप करने के बाद हम उनको लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे और जो दो फंदे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, ये फंदा और ये जो हमने धागा ऊपर से लिया था इसे, इन दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे। उल्टा फंदा बनाने के बाद ये जो सिंगल फंदा दिखाई दे रहा है इसे हमें स्लिप करना है। तो इसे स्लिप किया, स्लिप करने के बाद हम ऊन को ऐसे चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे। अब फिर देखिए दो फंदे एक साथ इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुन लेंगे। फिर ये सिंगल फंदा, इसे हम स्लिप करेंगे। स्लिप करने के बाद हम धागे को चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे। आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हमने स्लिप किया, ये स्लिप करने वाला फंदा है, इसे पहले हमने स्लिप किया और स्लिप करने के बाद हम धागे को चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे। और फिर देखिए दो फंदे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं तो इन दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिए रॉन्ग साइड में हम आ गए, तो पहला फंदा हम स्लिप कर देंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। सभी फंदों को उल्टा बुनना है। जो धागा हम लपेट के लाए हैं बस इसे ही हमें, देखिए ये जो जाली जैसा बना है सिर्फ इसे ही हमें स्लिप करना है, शेष फंदों को हमें उल्टा बुनना है।
जाली वाला फंदा, इसे हमें स्लिप करना है और बाकी सभी फंदे जो बुना गया था, जो स्लिप किया गया था, सभी को हमें उल्टा बुन लेना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिज़ाइन बेहद आसान है और बेहद खूबसूरत है। फिर से देख लीजिए, डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने लगा है। फिर से देख लीजिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब देखिए, दो फंदे इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं तो इसे हम एक साथ लेते हुए उल्टा बुन लेंगे। अब ये जो सिंगल फंदा है, इसे हम स्लिप करेंगे और स्लिप करने के बाद हम सिलाई में ऐसे धागा लपेटेंगे। इसे हमेशा आप ध्यान रखिएगा, दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनेंगे। अब नेक्स्ट, अभी हमें ऐसे लपेटना नहीं है, जब हम इसको स्लिप कर लेंगे उसके बाद हम धागे को सिलाई में लपेटेंगे। अब इसे स्लिप किया, अब अगला फंदा हमें सीधा, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें धागा को लपेटना भी है, इसलिए इसे सीधा बुनना है तो हम धागा को इधर ही रखे हुए ऐसे इसे सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, धागा हमारा ऊपर की तरफ से चला गया। अब फिर हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये जो लपटा हुआ धागा है, इसे भी हमें स्लिप करना है और दो फंदे जो दिखाई दे रहे हैं, इसे हमें उल्टा बुनना है। डिज़ाइन बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा तो बहुत ही खूबसूरत पैटर्न तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा होगा, बस दो फंदे का और दो ही लाइन का ये डिज़ाइन है। ध्यान से बनाइएगा और यदि आपको डाउट हो तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा, आपको डिज़ाइन स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, डिज़ाइन आपके सामने है, देखिए कितना खूबसूरत है, हनीकॉम जैसा बना हुआ है, देखिए कितना सुंदर है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, जेंट्स स्वेटर में बनाइए, चाहे लेडीज़ प्रोजेक्ट में बनाएंगे, किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। देखिए इसे डबल लेयर में बना है तो बच्चों के प्रोजेक्ट में भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।